अच्छा जी तो विंड के अंदर पावर कितनी है या एनर्जी कितनी है तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी बेसिकली एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्र यानी जीरो मल्टीप्लाइडी तो अब स्पीड तो हम मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी एयर की एन लगा के विंड मीटर लगा के लेकिन विंड का मैथ कैसे मेजर करें तो मैथ विंड का इस फार्मूला से मेजर होता है विंड की, विंड की विंड डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से जिस एरिया से विंड गुजर रही है और उसकी वेलोसिटी से तो उससे आपको उसका मैथ मिलता है तो ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है मैथ इज इक्वल टू रो इंटू यानी डेंसिटी इंटू एरिया वेलोसिटी इसको अगर आप इस के फार्मूला को आप ऊपर जो के ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एम वी स्क्र लिखा हुआ है उसके अंदर डालें तो आपके पास पावर का फॉर्मूला आ जाता है वेलोसिटी वहाँ स्क्र है यहाँ पे एक है तो वेलोसिटी क्यूब हो जाती है और 0.5 पॉइंट फाइव इंटू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू द क्यूब ऑफ फिलोसिटी तो इससे आपको ये बात समझ आती है कि आ, आपकी पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी को यानी जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी पावर बढ़ती जाएगी आपकी पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया को यानी आप स्वेप्ट एरिया अपने विंड टर्बाइन का यानी उनके ब्लेड्स का रोटर एरिया जितना रखेंगे ज्यादा उतना आपको ज्यादा मिलेगा और फिर उसमें भी एक थियोरेटिकल लिमिट आ जाती है तो उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती और वेलोसिटी के साथ इसका क्यूब का रिलेशनशिप है यानी हवा क्यूब ये थ्री टाइम्स बढ़ती है तो पावर एक टाइम बढ़ता है तो दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो आपको आ, यही चीज ग्राफ पे नजर आ रही है पावर वर्सेज विंड स्पीड की विंड स्पीड आपको तकरीबन दस और बीस तक तो स्मूथली टेक ऑफ कर रही है लेकिन उसके बाद फिफ्ट ट्वेंटी से लेके फिफ्टी तक एक्सपोनेंशियल ऊपर जा रही है क्योंकि ये क्यूब का रिलेशनशिप है अच्छा जी तो तीन कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड कर ले विंड को लो विंड स्पीड हाई विंड स्पीड यानी गुड विंड स्पीड और जो बहुत एक्सट्रीम विंडी डेज होते हैं तो लो को हम सात से कम कह लें और सात से पंद्रह को हाई कह लें और पंद्रह से ज़्यादा को विंडी डेज कह लें तो हमें जो अच्छी पावर मिलती है मेजोरिटी ऑफ द पावर वो हमें सेवन टू फिफ्टीन के दरम्या मिलती है जो लो विंड स्पीड्स होती हैं सात से कम उनसे बहुत कम एनर्जी मिलती है या पावर मिलती है और जो विंडी डेज होते हैं उनसे भी तकरीबन पच्चीस फीसद मिलती है ज़्यादा नहीं मिलती और उनमें खतरा होता है कि आपके टर्बाइन भी डैमेज हो सकते हैं तो सबसे अच्छा ये होता है कि आपको सात से लेके अब दस बारह तक पाकिस्तान के केस में क्योंकि हमारे पास जहाँ पे विंटरबाइंस लगे हुए वहाँ पे वो डस्टी एरिया भी है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है तो हमें बारह से ऊपर सूट नहीं करती कि हवा चल रही हो अच्छा जी तो फिर इस सारी चीज़ों की जो हमने पीछे आ, बात की इसके इम्प्लिकेशन क्या है विंड के डिजाइन पे सबसे पहले आ, हमें हाई विंड स्पीड चाहिए क्योंकि ज्यादातर स्पीड हमें पावर हमें हाई विंड से मिलती है लेकिन देर लिमिट उसके बाद 12-13 से ऊपर वो डैमेजिंग हो जाता है तो वो नहीं चाहिए फिर हमें लार्ज ब्लेड का रेडियस चाहिए जितना बड़ा ब्लेड होगा उतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा लेकिन फिर ब्लेड के साइज के अपने चैलेंजेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लेड इतना बड़ा बनाना उसको उस जगह पे लेके जाना जहां पे हवा चल रही है और थर्डली फिर वो उसकी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं यानी वो बकल करना शुरू हो जाता है टेढ़ा होना शुरू हो जाता है जब उसको ज्यादा बड़ा करते हैं तो उसकी अपनी लिमिट आ जाती है फिर हमें जितना आप ऊपर होते हैं जितनी हाइट पे जाते हैं उतना ज्यादा विंड हमने देखा पीछे कि हमें अच्छी मिलती है तो जितना टॉल टार होगा उतना अच्छा होगा कि आपको ज़्यादा विंड की स्पीड और क्वालिटी मिलेगी पावर मिलेगी लेकिन उस पर भी हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक हाइट के बाद फिर विंड की स्पीड नहीं बढ़ती है क्वालिटी नहीं बढ़ती है फिर हमें स्मूथ एरिया चाहिए रफ एरिया नहीं चाहिए जितना स्मूथ एरिया होगा जितना स्मूथ आपका लैंडस्केप होगा उतनी आपको अच्छी पावर की विंड की क्वालिटी मिलेगी और उससे आप पावर एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे और जो सीज होते हैं जिनमें बहुत रफ हवानी चल रही होती वो सबसे अच्छी विंड आपको देते हैं फिर उसके बाद जो अर्बन एरियाज होते हैं या माउंटेनस एरियाज होते हैं वो सबसे बुरी एयर देते हैं आपको क्योंकि क्यों वो स्मूथ और बाकी जो हमने बहुत बहुत सारी चीज़ें देखी वो उसमें अवेलेबल नहीं होती हैं और फाइनली जो डेंस एयर होती है वो सबसे अच्छी होती है यानी जितनी ज़्यादा डेंस एयर होगी उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी तो आपको सी लेवल्स पे डेंस एयर मिलती है ठंडे मुल्कों में ये बात ज़्यादा ट्रू है हमारे मुल्कों में ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती क्योंकि वहाँ पर बात क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी या वाटर वे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे फिर एयर डेंस नहीं होती तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है तो फिर इस वजह से क्योंकि ये सारी चीज़ें सामने आई तो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के साथ विंड की साइज टर्बाइंस के साइज बढ़ते गए अभी आज से तकरीबन बीस पच्चीस साल बाद छोटे होते थे सौ मीटर के पचास मीटर के करीब उनकी हाइट होती थी अभी जो है हमारे पास तकरीबन अगर रोटर को साथ में ला लें तो दो सौ मीटर से ऊपर जा रहे हैं और अभी कुछ अरसा पहले एक तीन सौ तीस मीटर का फेबर में तीन सौ तीस मीटर का एक विंटरबाइन इंस्टॉल हुआ है डेनमार्क में वेस्टलैंड जेटलैंड में वालों का और ये पंद्रह मेगावाट बिजली जनरेट करता है पंद्रह मेगावाट का मतलब है कि अगर उसको स्मूथ मिलती रहे तो वो पाकिस्तानी एक नॉर्मल हाउस होल्ड जो है तकरीबन चालीस से पचास हजार घरों को सिर्फ ही एक विंटर वाइन थ्रू आउट द ईयर पावर कर सकता है तो बहुत बड़ा विंटर वाइन है और आ, आ, यूरोपियन तकरीबन बीस हजार घरों को बिजली देगा यूरोपियन घरों की बिजली ऑब्वियसली उनकी डिमांड हमसे बहुत ज्यादा होती है उनकी हीटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो जितनी बिजली वो इस्तेमाल करते हैं एक उनका एक घर इस्तेमाल करता है उसमें हमारे दो से तीन घर इस्तेमाल करते हैं उतनी बिजली अब इस ये जो जिस ये मैं आपको टर्बाइन बता रहा हूँ वेस्ट हेट में जो लगा है ये इसका रोटर ही मेरा ख्याल है तकरीबन यानी इसके जो ब्लेड की की लेंथ है रेडियस है इसके रोटर का वो एक सौ पंद्रह मीटर के करीब है अच्छा जी अब देखते हैं कि विंड साइट्स जहां पे हमने अपना विंटर बाइन लगाना है उस जगह के मुख्तलिफ हमारे डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं